कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन का 14 दिन की जेल। अब तक बरामद किए गए करीब 196 करोड़ रुपए कैश, सोने की कई सिल्लियां भी बरामद। पेशी के दौरान पीयूष जैन ने टैक्स चुकाने की कही बात, कोर्ट के सामने 42 करोड़ टैक्स देने की पेशकश की, टैक्स चुकाने की पेशकश को कोर्ट ने किया नामंजूर। करोड़ों के काले धन पर पीयूष जैन का कबूलनामा, बिना जीएसटी चुकाए माल की बिक्री से जुड़ा है कैश, कन्नौज की ओडोकेम इंडस्ट्रीज ने बड़े पैमाने पर की जीएसटी की चोरी। कन्नौज में पीयूष जैन की रिहायश गांव में बना तहखाना, तहखाने में मिले सोने की और कैश के भंडार। जैन के तहखाने में पहुंचा जी मीडिया का कैमरा, इत्र कारोबारी के काले खजाने की एक्सक्लूसिव तस्वीर। जैन के घर छापेमारी पर डीजीजीआई ने दी जानकारी, कहा अब तक 23 किलो सोना बरामद, 600 लीटर चंदन का तेल भी बरामद। डीजीजीआई ने बताया कि अब तक पीयूष जैन के घर से 196.45 करोड़ कैश किया गया जब्त, कन्नौज से 19 करोड़ कैश बरामद। नरेंद्र मोदी का आज कानपुर दौरा, लोगों को देंगे मेट्रो की सौगात। आज सुबह 10:25 पर चकेरी एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेंगे पीएम मोदी, गवर्नर और सीएम योगी करेंगे इस्तकबाल। चकेरी एयरपोर्ट पर उतरने के बाद पीएम पहुंचेंगे आईआईटी कानपुर, आईआईटी कानपुर के कॉन्वोकेशन प्रोग्राम में होंगे शामिल। कॉन्वोकेशन के बाद निराला नगर मैदान में पीएम मोदी की रैली, मेट्रो और बिना पन की मल्टीपर्पज पाइपलाइन मंसूबों का करेंगे। पीएम मोदी कानपुर में करीब 5 घंटों तक रहेंगे मौजूद, शाम 3:20 वो चकेरी एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान करेंगे। इंतखाब की तैयारियों को लेकर आज से 3 दौरा लखनऊ दौरे पर, इलेक्शन कमीशन की टीम अफसरान से लेगी फीडबैक। इलेक्शन कमीशन की टीम यूपी इंतखाब की तैयारियों का लेगी जायजा, दौरे से पहले सियासी जमातों के साथ मिटे। यूपी में इंतखाबी रैली और सभाओं पर रोक लगाने की मांग, इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई अर्जी, अर्जी में पीएम की मेरठ रैली पर रोक लगाने की मांग। यूपी के बरेली में बीजेपी रुकने असेंबली पंकज सिंह का ऑपोजिशन पर हमला, का हाथ न हाथी टोटी न सरिया, इस बार सिर्फ केसरिया। यूपी की सीतापुर में सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर कंज, कहा पापियों के घर से निकल रहा इतना पैसा कि 3 दिनों तक गिने जा रहे कैश। सीएम योगी ने कहा पता चला कि पहले गरीबों की रिहायशगाह का पैसा कहां जाता था, ये पैसा सपा नेताओं के घर की दीवारों से निकल रहा है। सीएम योगी ने कहा पहले सरकारों ने गरीबों को मंसूबों में सिर्फ महरूम रखा, बल्कि गरीबों का राशन भी हड़प कर। अखिलेश यादव पर सीएम योगी का जोरदार हमला, का बबुआ के नोटबंदी की मुखालफत की वजह अब सामने आई, गरीबों की हाय से सपा बेनक। यूपी की बदायूं में ऑपोजिशन पर केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा हमला, का 100 में से 60% वोट हमारा, 40% में बंटवारा, प्रचंड जीत की तरफ बढ़ रही है बीजेपी। बुलंदशहर में निकाली गई बीजेपी की जन विश्वास यात्रा, मरकजी वजीर पी के सिंह संजीव बालिया ने यात्रा की सदारत। यूपी के औरैया में निकाली गई बीजेपी की जन विश्वास यात्रा, वजीर महेंद्र सिंह ने यात्रा की कयादत। वाराणसी में समाजवादी परिवर्तन साइकिल यात्रा का एहतमाम, रैली में शामिल हुई सपा खातून सभा की सदर जूही सिंह, रैली को किया खता। यूपी के हरदोई दौरे पर वजीर दाखिला अमित शाह, हरदोई में जलसे को करेंगे खताब, सुल्तानपुर और भदोही में भी रैली करेंगे अमित शाह। चुनाव में अखिलेश यादव का विजय रथ यात्रा, सदर सफीपुर बंगरमऊ मोहान में करेंगे रैली। अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा में चकलवंशी हाफिजाबाद ताके में होगा इस्तकबाल, इंतजामिया ने सिक्योरिटी के किए पुख्ता इंतजाम।
वैसे ने हरिद्वार में धर्म संसद मामले में यूएपीए लगाने की मांग का हरिद्वार में खुलेआम कत्लेआम की बात की गई। यूएपीए के तहत गिरफ्तार किए जाए मुलजिम सर। वैसे ने बीजेपी कांग्रेस सपा पर भी साधा निशाना। बीजेपी के इशारों पर कही गई कत्लेआम की बात, वोट खिसकने के डर से कांग्रेस और सपा चुप। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सीआरपीएफ के बंकर पर दहशतगर्दाना हमला। हमले में फिलहाल किसी के जख्मी होने की कोई खबर नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके में चलाया सर्च ऑपरेशन। अजय मिस्टर टेनी को धमकाने के इल्जाम पर गिरफ्तार। चार मुलजमीन को 9 जनवरी तक कस्टडी में भेजा। कोर्ट ने दो मुलजमीन को वॉइस सैंपल लेने के भी ऑर्डर दिए। मशीनरी ऑफ चैरिटी के खाते फ्रीज किए जाने पर ट्वीट पर घिरी ममता बनर्जी। मशीनरी ऑफ चैरिटी के तर्जुमान ने कहा, नई फ्रीज हुए खाते, बीजेपी ने किया पलटवार। मशीनरी ऑफ चैरिटी के खातों को फ्रीज करने वाले मामले में वजारत दाखिला ने जारी किया बयान। कहा, मशीनरी ऑफ चैरिटी ने खुद SBI को अपने खातों को फ्रीज करने की दरख्वास्त भेजी। हरियाणा काबीना की तौसी, हरियाणा राजभवन में होगी हलफ बरदारी तकरीब। आज शाम 4 बजे हरियाणा राजभवन में दो नए वजीर की हलफ बरदारी तकरीब। बीजेपी से डॉक्टर कमल गुप्ता का नाम आ गया तो जरा के मुताबिक JJP से देवेंद्र बबली का वजीर बनना तय। पंजाब इत्तेहाद पर बोले मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत, पंजाब के वजीर आला कौन होगा, ये नतीजे आने के बाद संसदीय बोर्ड की मीटिंग में तय होगा। चंडीगढ़ म्युनिसिपल इलेक्शन में लहराया आम आदमी पार्टी का परचम। आपके खाते में 14 सीटें तो बीजेपी के खाते में 12 सीटें, तीसरे नंबर पर रही कांग्रेस। चंडीगढ़ म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन में आपकी धमाकेदार एंट्री पर बोले राघव चड्ढा, चंडीगढ़ में सिर्फ ट्रेलर है, पूरी फिल्म पंजाब इंतखाब में दिखे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर कारकुनान का जश्न। चंडीगढ़ बल्दिया इंतखाब में पार्टी की शानदार जीत पर जश्न। दिल्ली से एक हैरान कर देने वाला मामला है सामने। बुजुर्ग को मरा समझकर कुनबा आखिरी रसूमात के लिए शमशान लेकर पहुंचा, बुजुर्ग आदमी उठकर बैठा। पीजी काउंसलिंग को लेकर दिल्ली में अलग अलग जगहों पर डॉक्टर्स का एहतजाज। मुजाहरे के दौरान पुलिस वालों से भिड़े डॉक्टर्स। इलेक्शन कमीशन ने वजारत सेहत को दिया ऑर्डर, कहा इंतखाबी रियासतों में टीकाकारी तेज हो, इंतखाबी रियासतों में जल्द हो सभी का वैक्सीनेशन। इलेक्शन कमीशन की मीटिंग के दौरान सेक्रेटरी सेहत ने इलेक्शन कमीशन को सौंपी रिपोर्ट। 5 रियासतों में वैक्सीनेशन पर इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट सौंपी। 1 जनवरी से शुरू होगा कोविन पर रजिस्ट्रेशन। 15 से 18 साल तक के बच्चों का रजिस्ट्रेशन। 3 जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत। बूस्टर डोज पर मरकजी हुकूमत की नई गाइडलाइंस। वैक्सीन की दूसरी डोज 9 महीने बाद, बूस्टर डोज 10 जनवरी से मुल्क में शुरू होगा बूस्टर डोज। मुल्क में ओमिक्रॉन का कहर, एक दिन में सामने आया रिकॉर्ड 150 मामले। गोवा और मणिपुर में भी हुई एंट्री। ओमिक्रॉन मुतासरीन की तादाद 578। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच 10 रियासतों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान। मुंबई में BMC कमिश्नर ने बुलाई मीटिंग। 3 जनवरी तक बंद हुआ उज्जैन का महाकाल मंदिर। दिल्ली में आज से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहा नाफिज। उत्तराखंड में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान। ओमिक्रॉन को लेकर हुकूमत का फैसला। दिल्ली में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले। 24 घंटों में 331 मामले आए सामने, जबकि एक मरीज की मौत हुई। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 0.68%। बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए MP हुकूमत ने कसी कमर। टीकाकारी के लिए स्कूलों में लगाए जाएंगे कैंप। 15 से 18 साल के बच्चों को 3 जनवरी से लगेगी वैक्सीन। ओमिक्रॉन के ताजा मामले बढ़कर 600 से ज्यादा। दिल्ली में सबसे ज्यादा 142 लोगों में ओमिक्रॉन की तस्दीक। मुल्क के 19 रियासतों तक पहुंचा ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामला। महाराष्ट्र में 26 नए मामले, मरीजों की तादाद 167 पहुंची। उत्तराखंड के देहरादून और हरिद्वार में मिले ओमिक्रॉन वेरिएंट के 3 नए मरीज। रियासत में ओमिक्रॉन मरीजों की तादाद हुई 4। DM ने दिए अलर्ट रहने के ऑर्डर।
कहा कि पटना एम्स में कोरोना के 53 साल खातून की मौत, अब तक 6 लोगों की हो चुकी है मौत। पटना एम्स ने नोडल अफसर ने दी जानकारी। पीटीटी पेपर लीक मामले में एसटीएफ को एक और बड़ी नाकामी। और एएमए गैंग के 11 मेंबर गिरफ्तार, फर्जी रहनामा और कई आधार खाते बरामद। सहारनपुर में विकास भवन सभागार में तलबा को बांटे गए लैपटॉप और टैबलेट। लैपटॉप लेने के लिए तलबा की उमड़ी भीड़। अमेठी में दबंग नौजवानों ने लड़की के डंडे से की पिटाई, कमरे में बंद कर लड़की के साथ बेरहमी। सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो वायरल। यूपी के मिर्जापुर में नाबालिग का कत्ल, रिश्तेदारों ने लगाया रेप का इल्जाम, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के बिजनौर में एक होटल में नौजवान की लाश मिलने से सनसनी, पुलिस ने आरोपी दोस्त को किया गिरफ्तार, लेन देन के तनाजे में कत्ल का अंदेशा। झांसी में जेर तामीर मकान की मिट्टी का ढीला धंसने से हादसा, मलबे में दबकर एक मजदूर की मौत, दूसरे मजदूर को अस्पताल में कराया गया एडमिट। यूपी के जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। यूपी के चंदौली में एक भाई ने दूसरे भाई पर फावड़े से किया जानलेवा हमला, खवातीन में भी हुई मारपीट, रुपए की लेन देन के चलते हुआ तनाजा। यूपी के जौनपुर में मामूली तनाजे के चलते नौजवानों ने तमंचे से किया वाई फायरिंग, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें, मुतासर दुकानदार की दर्ज की शिकायत। यूपी के वाराणसी में 3 रोजा फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत, सयाद फजीर नीलकंठ तिवारी ने किया अफ्तिता, हेमा मालिनी राजू श्रीवास्तव जैसी हस्तियां शामिल। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के दौरे पर सीएम धामी, कालिका मंदिर में की पूजा अर्चना, अवामी जलसे को भी किया खताब। इंटरनेशनल बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को उत्तराखंड के सीएम धामी ने किया सरफराज, 15 लाख रुपए से बतौर इमदादी रकम देकर हौसला बढ़ाया। उत्तरकाशी में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से निचले इलाकों में बड़ी ठंड, महकमा मौसमियात ने जारी किया अलर्ट। उत्तरकाशी के अर्शल घाटी में घूमने के लिए आए सयाह बर्फबारी के बीच फंसे, मकामी लोगों ने मदद कर बाहर निकाला। एमपी के रीवा में सांसद जनार्दन मिश्रा का मुतनाजा बयान, कहा इंतखाब लड़ने के खर्च के लिए 15 लाख रुपए तक का करप्शन की छूट, 5 लाख के ऊपर करप्शन करता है तो उस पर कोई कार्रवाई पड़ी पा। एमपी खंडवा पुलिस ने 6 देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूसों के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार, पुलिस मामले की जांच में जुटी। सपा के राजगढ़ में अहलिया ने प्रेमी के साथ मिलकर शोहर को उतारा मौत के घाट, सबूत मिटाने के कुएं में फेंका शव, पुलिस ने 2 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। शिवपुर में शख्स ने चंबल नदी में कूदकर खुदकुशी की कोशिश की, पुलिस ने शख्स को किया रेस्क्यू। के डिंडोरी के सरताल में मृत विलाबाग, वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उज्जैन में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बाबा महाकाल के ग्रह के अकीदतमंदों के एंट्री पर रोक, भीड़ को लेकर मंदिर कमेटी का फैसला। छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनियों पर नकेल कसने की तैयारी, पुलिस ने 200 कंपनियों के 880 डायरेक्टर्स की गिरफ्तारी की बनाई स्पेशल टीम। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में ठगी का मामला आया सामने, रकम दोगुनी करने का झांसा देकर ठगे करोड़ों रुपए, सारे पैसे लेकर फरार हुआ मुलजिम हामिद रजा। एमपी के भिंड में गैर कानूनी शराब पर पुलिस की कार्रवाई, एक फैक्ट्री से भारी मात्रा में शराब बनाने का कच्चा माल बरामद, पुलिस ने 2 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। जल में 200 करोड़ की लागत से बनेंगे मेडिकल डिवाइस पार्क, मरकज और रियासती सरकार 100 करोड़ रुपए की करेगी सरमाकारी। बिहार के सासाराम में समाज सुधार मुहिम के दौरान सीएम ने एक बार फिर शराब और जहेज पर किया कड़ा हमला, जीविका दीदियों को भी किया खताब, कहा तरक्की के साथ मुआशरे में सुधार की भी जरूरत। बिहार के मुजफ्फरपुर ब्लास्ट मामले में कंपनी के मालिक समेत 5 लोगों पर केस दर्ज,
इतवार को बॉयलर फटने से 7 मजदूरों की हुई थी मौत। बिहार के अररिया के नरपतगंज प्रखंड में तेंदुआ घुसने से मचा हड़कंप, तेंदुए के हमले से 6 से ज्यादा लोग घायल, घंटों की मशक्कत के बाद पकड़ा गया तेंदुआ। 29 दिसंबर को झारखंड सरकार ने 2 साल की उसूलियाबियों का रिपोर्ट कार्ड आवाम के सामने किया पेश, पकड़ पहुंचे वजीर आलमगीर आलम ने दी जानकारी। रांची में मॉब लिंचिंग बिल के खिलाफ गवर्नर से मिले बीजेपी नुमाइंदा, बिल के खिलाफ गवर्नर को सौंपा मेमोरेंडम। राजस्थान के सियाती शोबे को वजीर आला गहलोत ने दी 5 सौगाते का, राजस्थान को सियात में मजबूत बनाना है। राजस्थान के जयपुर में कांग्रेस के 3 रोजा तरबियाती कैंप, प्रदेश इंचार्ज अजय माकन ने क्या खिताब, कहा गांधी और गोडसे के नजरियात कभी एक नहीं हो सकते। राजस्थान में जीएसटी को लेकर नाराज टेक्सटाइल कारोबारी, 4 दीवारी में निकाला गया कैंडल मार्च, जीएसटी 5 से बढ़ाकर 12% करने की मुखालिफ। राजस्थान के पाली में बेकाबू ट्रॉली ने बरपाया कहर, चाय की दुकान पर बैठे लोगों को कुचला, एक की मौत, 6 की हालत नाजुक। राजस्थान के जोधपुर में पुलिस हिरासत में मौत का मामला, 3rd दिन भी जारी रहा धरना, 2 दौर की बातचीत के बाद भी नहीं बनी हिमायत। राजस्थान के कोटा में गंदे पानी की सप्लाई को लेकर बवाल जारी, जल्द महकमे के ऑफिस के बाहर हंगामा, अफसरान को पिलाया गया गंदा पानी। कश्मीर में सयाहों की तादाद के टूटे रिकॉर्ड, 10 साल में पहली बार इस साल अब तक 6,40,000 पहुंचे सयाह। अक्षय ने शेयर किया साइकिलिंग का वीडियो, खानदान के साथ मालदीव्स में छुट्टी बता रहे हैं। अक्षय कुमार की अहलिया और अदाकार ट्विंकल खन्ना मालदीव्स में दिलकश अंदाज में आई नजर, बेटी पर भी ट्विंकल ने लुटाया प्यार। जानवी कपूर पर अब भी छाए क्रिसमस की खुमारी, दोस्तों संग मस्ती करती आई नजर। शाहरुख खान की बेटी सुहाना ने सोशल मीडिया पर साझा की नई तस्वीर, अनन्या पांडे से लेकर शनाय कपूर ने सुहाना के अंदाज की तारीफ की। 97,000 की वेलवेट शॉर्ट और स्कर्ट्स में मलाइका अरोड़ा की स्टनिंग लुक, ट्रेंडी नेक पीस के साथ टिंकी फैंस की निगाह। करण जौहर ने पहना ओवरसाइज आउटफिट, फरहान ने खूब उड़ाया मजाक, करण के कपड़ों को बताया पैराशूट। मैनेजर की सगाई में सब कुछ भूल कर जमकर नाची शहनाज गिल, ब्लैक शिमरी ड्रेस में ढाई कह। अफ्रीकी शख्स ने नोरा फतेही और गुरु रंधावा के गाने पर किया गजब का डांस, सोशल मीडिया पर लोगों को बनाया अपना दीवाना। बड़े डंडे पर झटपट अंदाज में चढ़ गया शख्स, जिसने देखा शख्स का करतब वो रह गया दंग, वीडियो हुआ वायरल। सड़क पर पड़े सामान से एक शख्स ने निकाली गजब की धुन, सोशल मीडिया पर लोग पसंद कर रहे हैं शख्स का हुनर। नीदरलैंड में जमी हुई झील पर 2 लोगों ने मिलकर उठाया स्केटिंग का लुत्फ, इंटरनेट पर बार बार देखा जा रहा है वीडियो। एक शख्स ने चिंपैंजी के सामने दिखाया जादू, जिसे देखकर हंस हंस कर लोटपोट हुआ चिंपैंजी, लोगों को पसंद आया वीडियो। पाकिस्तान ने पहली बार कौमी सलामी की पॉलिसी को दी मंजूरी, आर्थिक सुरक्षा को रखा केंद्र में। पाकिस्तान ही नहीं टर्की में भी ग्रे लिस्ट में शामिल, एफटीएफ ने पाक को जून 2018 से सूची में डाला था। ब्रिटेन में एक शख्स ने दी महारानी एलिजाबेथ के कत्ल करने की धमकी, खुद को बताया हिंदुस्तानी सिख, पुलिस ने मुलजिम को किया गिरफ्तार। अमेरिका रूस बातचीत पर रूसी विदेश मंत्री सरगोई लावरोव ने कहा कि नए साल की छुट्टियों के बाद अमेरिका से होगी बातचीत। अमेरिका में ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते खतरे की वजह से लगातार 3rd दिन सैकड़ों उड़ानें रद्द की गई, अमेरिका में इतवार को 656 उड़ानें रद्द की गई, वहीं 920 से भी ज्यादा उड़ानें देरी से चली, ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच लिया गया फैसला। ब्राजील में बारिश आफत बनकर बरस रही है, तेज बारिश की वजह से दरिया उफान पर,
पड़ोसी मुल्क यूक्रेन के साथ बिगड़ते रिश्तों के बीच रूस की फौज ने यूक्रेन से सटी अपनी सरहद पर शूटिंग की प्रैक्टिस की। वहीं यूक्रेन ने फौज ने भी अमेरिका से ली गई एंटी टैंक मिसाइल के साथ चंगी मशक। पाकिस्तान के वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने खवातीन के अकेले अवामी मकामात पर जाने या सफर करने पर अफगानिस्तान में तालिबान सरकार की पाबंदी की सख्त अल्फाज में की मजम्मत। इंडोनेशिया से एक हैरान कर देने वाला वाकया आया सामने। सड़क पर चल रहे एक शख्स पर अचानक आसमान से बिजली गिर गई। वाकया सीसीटीवी में हुआ कैद। नाइजीरिया के मॉल में शदीद आग लगने से हड़कंप। फायर फाइटर्स ने मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। जानकारी के मुताबिक हादसे में किसी की मौत होने की कोई खबर नहीं। टर्की में शदीद बर्फबारी जारी। मशरकी टर्की का ज्यादातर हिस्सा बर्फ की मोटी चादर में ढका। भारी बर्फबारी की वजह से 60 से ज्यादा गांव जाने वाली सड़कों पर आमदोरफ्त ठप। जापान में भी शदीद बर्फबारी। बर्फबारी की वजह से फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। रोड ट्रैफिक पर भी पड़ा साफ असर। अफ्रीकी मुल्क कांगो में खुदकुश हमले के बाद लोग अपनी हिफाजत को लेकर डरे हुए। मशरकी कांगो के इंतजामिया ने इलाके में पहले खुदकुश धमाके के बाद और तयशुदा खदशे के मद्देनजर शाम का कर्फ्यू लगाने की मतहमली की।